कितनी प्यारी है, इसकी मोटी सींगें हैं और उभरा हुआ ये जो माथा होता है ये गिरी की पहचान होती है, मस्कुलर बॉडी होती है इनकी। ये मथुरा के बाबा जय गुरुदेव की नंदीशाला का ये दृश्य, ये भी गिरी है देख सकते हैं आप, देखिए इसकी सींगें देखिए। ये नंदीशाला तो देख सकते हैं, यहाँ पे गायों के लिए वो लगा है पंखा, यहाँ पे चटाई भी लगी है इनके लिए। इनके आप पौधे देख सकते हैं, एक सेपरेट पौधा रहता है जिसमें ये लोग खाते हैं। यहाँ पे भिगोया हुआ है, ये शायद अभी ताज़ा भिगोया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दाल है, किस्म किस्म की दालें मिलाई गई हैं, उड़द की होगी, चने की होगी, अब जैसा होगा यहाँ का व्यवस्था, लेकिन ये सारे के सारे पौष्टिक ही दिख रहे हैं। इसमें गेहूँ है, मूँगफली है और चने हैं, उड़द है, कई सारी दालें हैं। का देखिए यहाँ पे मैट लगा है इनके लिए बैठने के लिए। जय गुरुदेव प्रेमी भाइयों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दुधारू गायें हैं मथुरा की, देख सकते हैं। ये है हमारी शायद गिरी है, ये हमारी आप देख सकते हैं मारती है शायद। आप लोगों के बीच में माननीय राष्ट्रीय उपदेशक श्री सतीश चंद्र जी एक समय मंत्रासीन होने जा रहे हैं। ये भी गिरी है देख सकते हैं आप, देखिए इसकी सींगें देखिए। मारती है भैया सारी गाय, मारती है भी है। कौन सी गाय मारती है देख सकते हैं, ये भी गाय है, ये भी दूध देती है। ये देखिए बछड़ा अभी पैदा हुआ है, ये देखिए हमारी गिरी है, इसका मत्था देखिए कितना चौड़ा है, इसकी सींगें देखिए, इसका मत्था देखिए आप। बने हुए मंच के सामने आकर आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। इसका मत्था देखिए कितना ऊंचा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ नंदी बैठा है, इसकी सींगें देखिए आप कितनी मोटी सींगें हैं, छूने पे मार नहीं रहा है, अग्रेसिव नहीं है। यहाँ पे देखिए एक नंदी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इसको, और एक नंदी वहाँ पे बांधा गया है, आप देख सकते हैं। नंदी देखिए आगे की तरफ आ रहा है, इसको खुजलाने में राहत हो रही है। आजा आजा का देखिए यहाँ पे मैट लगा है इनके लिए बैठने के लिए। नंदी यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे है, बाकी इधर खाली है, निकाला जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो देख सकते हैं यहाँ पे गायों के लिए वो लगा है पंखा, यहाँ पे चटाई भी लगी है इनके लिए। इनके आप पौधे देख सकते हैं, एक सेपरेट पौधा रहता है जिसमें ये लोग खाते हैं। अभी तो सारी मतलब नंदी धूप में गए हुए हैं, बाद में आएंगे। इनका मैट देख सकते हैं, इनकी मोटाई मैट की कितनी है आप देख सकते हैं। और खिलाया भी किया जा रहा है, पौष्टिक चीज़ें देखिए जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, भूसा नहीं है ये। हम चलते हैं वापिस, दिखाते हैं आपको पूरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दालें हैं, ये उड़द का दाल भूसी का है, देखिए कितनी पौष्टिक चीजें खिलाई जाती हैं यहाँ पे, मतलब भिगो के रखा हुआ है, ये नरम हो जाएगा ताकि इजिली डाइजेस्ट हो जाए। और यहाँ भी देख सकते हैं ये दाल है,
किस्म किस्म की दालें मिलाई गई हैं, उड़द की होगी, चने की होगी, अब जैसा होगा यहाँ का व्यवस्था। लेकिन ये सारे के सारे पौष्टिक ही दिख रहे हैं। इसमें गेहूँ है, मूंगफली है, और चने हैं, उड़द है, कई सारी दालें हैं। देखते हैं, तो एक बार हम फिर से आ गए अपनी गिरी गायों के पास। देख सकते हैं आप कितनी सीधी है। ये भी गिरी गाय का बछड़ा है, वो भी है, वो थोड़ा अग्रेसिव है। देख सकते हैं कितनी प्यारी है, इसकी मोटी सींगे और उभरा हुआ ये जो माथा होता है, यही गिरी की पहचान होती है, मस्कुलर बॉडी होती है इनकी। ये मथुरा के बाबा जय गुरुदेव की नंदीशाला का ये दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये भी गिरी है, उन्नत नस्ल की ये गिरी है, देखिए। अब इसके मसल्स देखिए, पहले देखिए मार नहीं रही है इसके, देखिए कुबड़, देखिए यही पहचान होती है। दादा गुरु जी महाराज इशारा कर, यहाँ पे सत्संग चल रहा है मंदिर पे, इसमें सुनाई दे रहा है। नर देही ने फिर ले डारा चार खान पर आशीष महा